तो दोस्तों आज हम बात करने वाले टिकटॉक के न्यू ट्रेंड वीडियो के लेकर। जैसे कि दोस्तों आपको पता है टिकटॉक पर प्रत्येक कोई ना कोई वीडियो डबल रोल में अपलोड होता रहता है। उस वीडियो पे लाइक और व्यूज काफ़ी ज़्यादा आता रहता है। तो कैसे एडिट कर सकते हैं, आपके वीडियो को कैसे शूट करना है, आज के वीडियो में इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। वीडियो आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हो निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार ऐसा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्लिक करना है प्लस के आइकन पर। क्लिक करने के बाद 16:9 कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो हमने नॉर्मल मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट किए थे वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा वीडियो जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट जो भी एक्स्ट्रा था वो रिमूव हो चुका है। तो वीडियो के आगे की तरफ करना है। इसके बाद 12 सेकेंड का वीडियो हमारा शूट हुआ था। तो वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है और SP2 Play हिट कर देना है। तो वीडियो हमारा जो फर्स्ट वाले पार्ट का वीडियो जो शूट हुआ है, इस तरह से वीडियो को शूट हुआ है। तो आपको भी इस तरह से शूट कर लेना है। और सेकेंड वाले वीडियो जो आपको शूट करना है, तो सेकेंड वाले वीडियो हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। तो लेफ्ट साइड का पार्ट हमारा रिमूव हो चुका है। और इसके बाद वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ट्रिम टूल राइट कर देना है। तो राइट साइड का पार्ट भी हमारा रिमूव हो चुका है। तो हमारा फर्स्ट वाले वीडियो इस तरह से शूट हुआ है और सेकेंड वाले वीडियो इस तरह से शूट हुआ है। तो आपको वीडियो शूट करते समय आपको ध्यान रखना है, जब ये वीडियो शूट करेंगे तो 50% पार्ट आपको खाली होना चाहिए। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है और डुप्लीकेट यस लेयर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वीडियो जो है लेयर में आ चुका है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, फुल साइज कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर हमें हाफ कर देना है, ठीक है। तब देख सकते हैं हम यहाँ से इस साइड आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें अचानक से घबरा रहे हैं, भाई ये कहाँ से आ गया। तो सेकेंड वाले वीडियो को हमें यहाँ से प्रेस करके रखना है और लेकर आना है। तो देखते हैं हमारा वीडियो जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सिंपल सी ट्रिम मूव टू राइट कर देता हूँ। इसके बाद इसे प्रेस करके रखना है और यहाँ तक लेकर आना है। तो एक बार मैं चला कर देख लेते हैं। देख सकते हैं लगभग हमारा सही तरह से एडजस्ट हो गया, लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा हाथ जो है कट रहा है। तो इससे लग जाएगा कि हमारा वीडियो फेक है। तो पहले हम एक्स्ट्रा पार्ट के सबसे पहले ट्रिम टू राइट करते हैं और इस पार्ट का भी वीडियो को हमारा काम हो चुका है, तो इसे डिलीट करते हैं। इसके बाद सेकेंड वाले वीडियो के लेयर पर क्लिक करना है जो डुप्लीकेट लिया था मैंने, और इसे हमें थोड़ा सा हल्का बड़ा कर देना है। तो आप देख सकते यहाँ पर लग नहीं रहा कि हमारा वीडियो एडिट किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हो लोग, मैं एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो हमारा एडिट हो चुका है। इसके बाद आपको करना क्या, सिंपल इस पर क्लिक करना है, कलर फिल्टर पे आना है और इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से ब्राइटनेस जो है आपका एडजस्ट हो जाएगा सही तरह से। तो सबसे पहले हम सारे वीडियो को ब्राइटनेस सही से कर देता हूँ एडजस्ट। कलर फिल्टर पे आना है और इस पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो लग रहा है वीडियो जो हमारा एडिट किया नहीं है, अगर ब्राइटनेस भी अच्छी खासी यहाँ पर हो गया। तो भी बैकग्राउंड में म्यूजिक लगाना है, सिंपल से आइडियो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी म्यूजिक आपने डाउनलोड करके रख रखे वहाँ पे आपको शो कर देगा। इसके बाद प्लस इस पर क्लिक करना है, इसके बाद प्लस का आइकन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका आइडियो जो है ये नीचे आ जाएगा। इसके बाद इसे प्रेस करके रखना है और लास्ट तक लेकर आ जाना है। तो यहाँ पे लगभग हमारा हो चुका है वीडियो तैयार। इसके बाद इसके बाद वीडियो के लेयर पर क्लिक, आइडियो के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। हमारा वीडियो जो है यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसके बाद डन करना है, शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको HD 720p या 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है और वीडियो जो हमारा पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।